हाय, ये एक टिफनी का नॉट ब्रेसलेट है। इसका मैं लॉक के बारे में आपको समझाऊंगा, है ना। ये है वो फाइल जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके लॉक इसके अंदर है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक्चुअली क्या है, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फाइल भेजा है ये वाला। उनको इसमें लॉक में कुछ दिक्कत आ रहा था, उसको मैंने इसमें मेरे कैड में, मतलब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, फिर उनको मैंने फाइल दे दिया, है ना। इस टाइप का अगर किसी को भी अगर फाइल चाहिए हो ना मेरे से, रेप्लिकास, है ना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको मेरे पास जितने भी डिज़ाइन होगा मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आपको अगर इस टाइप का वीडियो देखना पसंद आ रहा है ना अगर आपको, तो आप मेरे चैनल में आइए और देखिए। मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, तो आप देख सकते हो, तो इसमें से आप सीख सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये तो आप खो दोगे। एक्चुअली ये एक मैश फाइल है, है ना। मैश फाइल मतलब वो जो ब्लेंडर में बनता है, जैसे जेट ब्रश में बनता है, उस टाइप में मैश फाइल है, ठीक है। तो इसमें क्या, मैं बुलियन डिफेंस नहीं कर सकता हूँ, काट नहीं सकता हूँ मैं इसको, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए। तो मैं आपको क्या, मैं बताते जाऊँगा कैसे करना है, थोड़ा मार्क करके, थोड़ा मतलब समझाऊंगा धीरे धीरे। लेकिन मैं इसमें करके नहीं दिखा पाऊंगा, कि ये ग्रूव करके दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कटता नहीं है ये वाला, ठीक है। सबसे पहले क्या, मैं इस नॉट को, है ना, अलग करता हूँ, मतलब बाहर, ताकि इसके अंदर का मैकेनिज्म देख सकूँ। ये मैंने इसका नॉट को बाहर कर दिया, है ना। इसके स्प्रिंग कुछ इस तरह लगेगा, थोड़ा मोटा लगाना है, है ना, ताकि ये वाला जो है बैंड है जहाँ पे, ये डंडी के साथ फिक्स रहेगा, है ना। आपको ये स्प्रिंग कैसे लगाना है, जैसे मतलब आपके पास जैसे कास्टिंग से आ जाएगा ना, ये आपको ये वायर जैसे लपेटता है ना, वैसे लपेटना है इसमें, है ना। फिर नीचे की साइड एक को बैंड कर देना है, एक को ऊपर की साइड बैंड कर देना है। ये ऊपर वाला जो रहेगा ये इस पीस के साथ जॉइंट रहेगा, नॉट के साथ, ठीक है, ताकि दोनों में मतलब जो नीचे वाला बैंड है वो डंडी के साथ जॉइंट रहेगा, और ऊपर वाला जो है पार्ट ये स्टोन वाले के मतलब उससे जॉइंट रहेगा, इसलिए जब घुमाओ ताकि थोड़ा स्प्रिंग हो वो लॉक, ठीक है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि स्प्रिंग लगाने के बाद ये वाले पीस को कैसे लगाए, है ना, ये नॉट को कैसे लगाए, क्योंकि ये स्प्रिंग तो ऊपर की साइड है ऐसे निकला हुआ, तो इसको लगाए कैसे, मैं बताता हूँ। इसमें देखो एक ये भी लगा हुआ है लॉक करने के लिए, ठीक है, इसमें लॉक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो लॉक के लिए लगा हुआ है, और इस पे देखो इसमें चैनल भी है एक, ये रहा, ये जो चैनल है इसके थ्रू जाएगा, और आपको क्या करना है, इसमें छोटा सा काम करना है एक। इसमें जो स्प्रिंग जो मैंने बनाया ना, ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ये वाला जो डंडी होगा ये नीचे की साइड आनी चाहिए, मतलब इस साइड, है ना, एक इस साइड और एक नीचे की साइड, ठीक है, ताकि फिर नीचे की साइड, फिर मैं इसको करके ही दिखाता हूँ, रुक जो मैं इसको कर लेता हूँ। ये मैंने थोड़ा नीचे इसको कर दिया मैंने, है ना, इसमें दो रोल, मतलब स्प्रिंग का दो बार भी दे सकते हो, तीन बार भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोटा लगाना पड़ेगा आपको, है ना, वायर को। मैंने इसमें पतला लगाया, थोड़ा मोटा लगा दोगे तो थोड़ा अच्छा, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा ये। हाँ, बाकी का मैं अब आगे का समझाता हूँ, रुक जो। हाँ, अब सोचो मैं इसको, मतलब आपके पास ये वाला पार्ट है नॉट वाला, इसको आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो डालने के लिए आपको सबसे ये वाला जो है ये अटक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा नीचे की साइड, बाहर की साइड है, ठीक है। यहाँ से भी अगर देखोगे आप, हाँ ठीक है, मैं डाल के दिखाता हूँ ना मैं आपको, ठीक है। मैं वीडियो में नहीं कर सकती हूँ क्योंकि
लैग हो जाएगा बहुत। यहाँ देखो इतना घुसने के बाद क्या होगा, ये स्प्रिंग में ये सरफेस टच हो जाएगा, मतलब नॉट को आने नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्प्रिंग की जगह पे इस पोजीशन पे एक ग्रूव करनी है, मतलब राउंड बर से, जो अपने पास बर होता है ना, बर, राउंड बर, कॉस बर, जो भी है, उससे ग्रूव कर देनी है। ग्रूव कर दोगे तो इसका वो है ना, मैं इसमें फ़ोटो शो कर दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रूव कर दोगे तो ये इजीली चला जाएगा, ठीक है। मतलब एक लाइन सा बना देनी है अंदर की साइड, ताकि ये सिर्फ स्प्रिंग को रोक के रखे, मतलब, ठीक है। ये अंदर डालने के बाद आपको क्या करना है, इस जगह पे एक ड्रिल करना है, 1 mm या 2 mm का, जो भी 1.5 mm का भी करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ड्रिल करके इसको लेज़र कर देनी है, इसका आउटर में, मतलब इसको शोल्डर कर देना है, ठीक है। लेज़र ही करना, शोल्डर मत करना। मैं आपको इसको हाइड करके दिखाता हूँ, क्यों, ये रहा, ये जो ग्रूव है ना यहाँ पर, ये मतलब ताकि ये दोबारा वापस मतलब खोल ना जाए, है ना। ये पिन इसलिए डाल रहे हैं अपन ताकि वापस खोल के ना आ जाए, ये मतलब फिक्स हो जाएगा इस जगह पे, सिर्फ मूवमेंट होगा, मतलब घूमेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जो नॉट है ना सिर्फ घूमेगा थोड़ा, जैसे लॉक खोलने के टाइम पे जैसे घुमाते हैं थोड़ा सा, हल्का सा, उस टाइप के मूवमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं आएगा, ये लॉक हो जाएगा। जब इसको घुमाओगे ना, ये देखो, ये लॉक का जो मैंने बताया ना अभी, ये पार्ट, ये दोनों, मतलब ये दोनों भी तो घूमेगा, इसके साथ जॉइंट है ना ये, ठीक है, ये घूमेगा। तो मैं इसको हाइड करता हूँ 1 मिनट। हाँ, ये रहा, यहाँ पर जो आपने ये दिया ना कटा हुआ पार्ट दोनों साइड, ये और ये, जब ये इधर से इधर घूमेगा, अरे रुक जाना यार, इधर इधर जो घूमेगा ना, ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, तो उससे क्या होगा, मतलब वो जगह मिल जाएगा इसको लॉक को अंदर जाने के लिए, ये वाला पार्ट को, ठीक है। और जैसे इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे छोड़ दोगे दोबारा वो उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में था, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये है इसका लॉक का ट्यूटोरियल था, ठीक है। इसको आप दबाओगे इधर से हल्का सा तो ये खोल के आ जाएगा, फिर छोड़ दोगे तो उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के अगर कैट चाहिए ना, तो मैंने आपको बताया, आपको व्हाट्सअप करना है मेरे को, ठीक है, मैं नंबर दे दूँगा, है ना। मैं, आप खुद भी ऑर्डर दे सकते हो अपने खुद के, मतलब जो भी पर्सनल रहेगा वो भी बना के देता हूँ मैं, ठीक है। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो ज़रूर, और देखो मैंने इस टाइप के बहुत सारे वीडियो बना के रखा हूँ, आप जाके देख सकते हो इनमें, ठीक है।